अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान। मैं हूं आपके साथ उमर हरगा। तमाम जेके दास्तान देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब और सलाम पहुंचे। इस वक्त हम ठीक जीरो ग्राउंड नाइदगाम इलाके में मौजूद हैं। जिस तरह आपको बता दूं कि यहां से खबरें मौसूल हो रही है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच में फिर से जो है गोलीबारी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवाद के बीच में देखने को मिली थी। हम लगातार इन एनकाउंटर साइट्स पर लगातार पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। जिस तरह आपको बता दूं कि 13 सितंबर को यही नाइदगाम इलाके में जो है एनकाउंटर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवाद के बीच में शुरू हुई थी, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवान इसमें शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार कुछ दिनों ये एनकाउंटर चला। उसके बाद जो आतंकवादी जो है इन जंगलों से कहीं ना कहीं फरार हुए थे। 21 सितंबर को फिर से एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्स और आतंकवाद के बीच में लगातार जो है ये झड़प चली थी, लेकिन फिर से जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्स इन आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई थी। अभी जो खबरें मौसूल हो रही है कि नाइदगाम इलाके से कि सुबह के 10 और 11 बजे के बीच में जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से जो है मुठभेड़ देखने को मिली थी। हम इस वक्त उसी जीरो ग्राउंड नाइदगाम इलाके में मौजूद हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये घने जंगल जो है इनमें आतंकवादियों ने कहीं कहीं अपना जो घर था वो बनाया हुआ था, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है कर रही है और इन आतंकवादियों का सफाया करने में लगी हुई है। आपको बता दूं कि ये एनकाउंटर जो है उस वक्त शुरू हुआ जब सर्च ऑपरेशन जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिली थी कि घने जंगलों में जो फिर से आतंकवादी कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करी थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ। सुबह के 10 और 11 बजे के बीच में गोलीबारी जो है दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। हम इस वक्त बिल्कुल उसी जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपको ये खबर दे रहे हैं। जेके दास्तान की टीम जो है सबसे पहले इस ग्राउंड पर पहुंची, इस नाइदगाम एनकाउंटर साइट पर पहुंची और आप तक ये खबर मौसूल करने की कोशिश कर रही है। आप देखते रहिए जेके दास्तान उमर रशीद के साथ। बड़ा ब्याज चल ना बोतल पान है अपलोड करना सुनते हैं।